पीड़ित लड़की हमारे साथ मौजूद है, उसी एकेडमी में मेकअप की ट्रेनिंग लेती हैं। स्वाति हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, ये जो तानिया आरोप लगा रही हैं कि भाई वहां पर आप लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि भाई हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम धर्म में आ जाओ, यहाँ पर जन्नत में हासिल होगा, क्या होता है वहां पर, जल्दी से अगर आप भी बता सके तो। जी, वहाँ पर यही कहा जाता है कि आप हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म में आइए, आपको हम मतलब अलग अलग चीजें दिलवाएंगे, घर दिलवाएंगे, आपको मुनाफा होगा इस चीज में अगर आप हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान धर्म में आते हो तो। तो इस तरह का लालच आप लोगों को दिया जाता है? जी बिल्कुल, हमें लालच दिया जाता है और हम इस बात के लिए मना करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि मेरे पास बहुत मौलवियों के नंबर हैं, मैं मेरे कॉन्टेक्ट हैं, मैं आपसे बात करवाऊंगी उनकी, आप एक बार हाँ तो करिए। क्या आपके इंस्टीट्यूट में मुस्लिम लड़कों की संख्या, जो बताया गया कि मुस्लिम लड़कों की संख्या ज्यादा है और हिंदू लड़कियों की वहां पर तादाद ज्यादा है, ऐसा है क्या? जी 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 ऐसा है, मुस्लिम लड़कियां बहुत कम है जबकि हिंदू लड़कियां बहुत ज्यादा है और वहां पे मुसलमान लड़के भी काफी हैं। और हमसे कहा जाता है ये बात। तो आपको कोशिश की जाती है कि भाई आप किसी तरीके से लालच में पड़ जाओ, आपको लालच दिया जाता है, हमें पूरा ब्रेन वॉश लालच किया जाता दिया है। जाता है इस चीज का। जी 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 राजकमल साहब कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये रहमान साहब ये बात क्यों नहीं इसके ऊपर विचार कर रहा है, मैं आपको स्पष्ट से कहता हूँ कि ऐसा यहीं पे नहीं है, ऐसा बहुत जगह हो रहा। एक बड़े मौली बांध के अलावा बांध के नाम बदल के क्यों हिंदू लड़कियों को बताया जाता है और जब तक उन्हें पता चलता कि आज लड़का कभी खास दे गया तो मुसलमान निकलते। कल मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास एक मरीज आया, वो मरीज जो थी वो दक्षिण भारत की और वो मुरादाबाद में आई, वो कह रही मैं तो यहाँ जो वही नहीं मैं इनके फंस गई। और वो लड़कियां पता की किस्मत को रोती है, ना वो यहाँ की रहती है ना वो वहां की रहती है, क्यों अपना नाम क्यों नहीं असली बताते, क्यों क्यों नकली नाम बता के, क्यों हिंदू नाम बता के ये करते हैं। और इस तरीके के क्यों ऐसे मौलाना कह रहे थे कि हिंदू स्कूलों में एक स्कूल बताइए कहाँ पे कि ये किस तरीके मोटिवेशन हो रहा हो, किसी स्कूल में मोटिवेशन नहीं बताया जाता जितना हो रहा है। बाकी है कि आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, मैं आपको एक नहीं एक हजार स्कूल बता दूंगा डॉक्टर साहब। अरे आप पहले मेरी सुन लीजिएगा, आप एक हजार स्कूल बताऊंगा, शिष्य मंदिर और विद्या मंदिर के नाम के जितने स्कूल है वहाँ क्या पढ़ाया जाता है क्या आपको नहीं पता? अरे आपको मुझे सब पता, मेरी सुनो, अरे पहले मेरी तो सुनो, ये नहीं पता की क्या जाता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ के अंदर क्या पढ़ाई रहता है क्या आपको ये नहीं पता की क्या जाता है, स्कूल के ऐसे दो कई शॉपिंग बताते हो जो असली नाम नहीं बताते। अभी 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 भाग जाएगा, जब एक नाम लिखने की बात आई तो भाग गए। अरे आपकी आइडेंटिटी क्यों छुपाना चाहते हो, अगर आप बात करेंगे तो बहुत सी बातें हैं, ये बहस का मौजू नहीं होता है। यहाँ पे तरीका ये होता है कि अगर कोई गलत है तो उसको सही बताया जाता है, जो सही है और अगर जहाँ रही बात रुखसंदा बेगम वही बात, अगर रुखसंदा बेगम ने इस्लाम को शाहबुद्दीन साहब मैंने आपसे इसलिए कहा था कि रहमान साहब को समझा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं। हापुड़ से भी एक मामला सामने आया, हिंदू नाम बता करके एक लड़की को मुंबई ले गया, फिर दिल्ली आकर के उसे कन्वर्जन करा करके फिर उससे निकाह किया गया, फिर पता चला कि भाई पहले से शादीशुदा है। धर्म के रास्ते पर चलिएगा तो हो सकता है कि इस तरह से कन्वर्जन को रोका जा सकता है, लेकिन धर्म के रास्ते पर क्यों नहीं चलते, रहमान जी की बात सुनकर के अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि गुनाह पर वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत